नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत ला रहा है खूंखार और घातक MBD सिस्टम्स, और दोस्तों ये सिस्टम्स भारतीय नौसेना के लिए लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही जो मंजूरी मिली है सरकार की ओर से वो हम जानेंगे, और इसके अलावा चीन को क्यों इससे बड़ा झटका लगा है ये भी हम बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लद्दाख में चीन से तनाव के बीच भारत अपनी जल, थल और वायु सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। अभी हाल ही में अमेरिका से 2 हमलावर ड्रोन्स लीज पर लिए गए थे। इसके बाद अब भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तत्काल 10 शिपबोर्न ड्रोन्स हासिल करने जा रही है, जिसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के सामने भारतीय नौसेना द्वारा फास्ट ट्रैक मोड में एक प्रस्ताव लाया गया था, जिस के तहत वे 10 नेवल शिपबोर्न मानव रहित एरियल सिस्टम्स खरीदने का प्लान बना रहे थे। दोस्तों, ये जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई है, और समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि नौसेना ग्लोबल ड्रोन श्रेणी के तहत खुली बोली के जरिए, यानी कि ओपन टेंडर के जरिए इन ड्रोनों का अधिग्रहण करेगी, और फिर जल्द ही निगरानी व टोही गतिविधियों के लिए अपने बड़े युद्धपोतों पर तैनात करेगी। नौसेना की योजनाओं के अनुसार शिपबोर्न ड्रोन के जरिए नेवी चीन की हर हरकत पर नजर रख सकेगी। इसके अलावा भारत के समुद्री क्षेत्र में और आसपास के अन्य विरोधियों की गतिविधियों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, भारतीय नौसेना संयुक्त राज्य अमेरिका से सी गार्जियन ड्रोन का अधिग्रहण करने के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य देश के क्षेत्रों में निगरानी का विस्तार करने के लिए मेडागास्कर से लेकर मलक्का और उसके आगे तक के क्षेत्रों में कड़ी नजर रखना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन पर निगरानी बढ़ाने के लिए अमेरिका की एक रक्षा उत्पाद कंपनी से 2 सी गार्जियन ड्रोन लीज पर लिए हैं। MQ-9B नाम के ये 2 सी गार्जियन ड्रोन हथियारों से लैस नहीं है। दोस्तों, इन्हें 1 साल के लिए किराए पर लिया गया है, और किराए की अवधि और 1 वर्ष बढ़ाने का भी इसमें विकल्प है। हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की संपूर्ण निगरानी क्षमताओं में इजाफा करने के लिए भारत की अमेरिका से हथियारों से लैस करीब 30 सी गार्जियन ड्रोन खरीदने की योजना के बीच इन 2 ड्रोनों को किराए पर लिया गया है। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित अत्याधुनिक ड्रोन तमिलनाडु में नौसेना के वायु स्टेशन INS रजाली पर पहुंच गए हैं, और सितंबर में सरकार ने नई खरीद नीति आरंभ की थी, जिसमें कि तीनों रक्षा सेवाओं को सैन्य उपकरण, हार्डवेयर, हेलीकॉप्टर, सिम्युलेटर्स और UAV समेत परिवहन यान किराए पर लेने की अनुमति दे दी गई थी। तो दोस्तों, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि भारत कौन सा शिपबोर्न ड्रोन लेने जा रहा है, लेकिन भारत सरकार ने 10 ऐसे सिस्टम्स लेने की मंजूरी दे दी है भारतीय नौसेना को, और अब भारतीय नौसेना टेंडर इन्वाइट करेगी, जो कि ओपन टेंडर होगा, और इसके जरिए चूज किया जाएगा कि कौन सा शिपबोर्न ड्रोन भारतीय नौसेना को मिलेगा। तो दोस्तों, इन शिपबोर्न ड्रोन्स के आ जाने से भारतीय नौसेना बेहद मजबूत होने वाली है, और हिंद महासागर में चीन को भी पूरी तरह से रोकने की तैयारी भारतीय नौसेना की है। दोस्तों, इसीलिए चीन को यह बड़ा झटका है, और साथ ही कुछ दिनों पहले ही साउथ चाइना सी में भारतीय नौसेना ने वियतनाम की नेवी के साथ भी एक ड्रिल परफॉर्म की थी, जिसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं भारत सरकार के इस कदम के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।